नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 4 जुलाई है और दिन है सोमवार। आज इंटरनेशनल मार्केट के में कुछ बाजार बंद हैं, जैसे अमेरिकन बाजार बंद है। अमेरिका में आज इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए बाजार में अवकाश है और इस कारण से कुछ मंडियों में कुछ जो खाद्य तेलों का बाजार है उसके अंदर भी दबाव है। इंडोनेशिया लगातार पाम तेल के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा दबाव खाद्य तेलों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत जल्द ठीक होने की दिशा में बढ़ने की संभावना है। और आज जो सरसों का बाजार है वो कल से यानी शनिवार से थोड़ा सा और डाउन है। कल 6610 रुपये का भाव था भरतपुर का, आज 6482 रुपये है। जयपुर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, 6950 से 6975 का ही भाव है। सुमेरपुर मंडी 6770 पर 20 रुपये डाउन होकर के कारोबार कर रही है और इसी तरह से दूसरी जो मंडियां हैं उनके अंदर भी 20 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक बाजार कमजोर है। सलोनी अभी 7400 पर ही कारोबार कर रहा है। परसों 25 रुपये कम होने के बाद फिर शाम को 25 रुपये तेज हो गया था बाजार, यानी 7375 से वापस 7400 पर आ गया था। आज भी वही अभी तक कारोबार चल रहा है। बात करते हैं कॉटन की। कॉटन में कोई बड़ा परिवर्तन अभी नहीं देखने को मिला है, थोड़ा सा बाजार 100-200 रुपये सुधरा हुआ दिखता है, लेकिन ये कोई स्टेबिलिटी का भाव नहीं लगता है। इसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि ये 10,200 का भाव जो आज सिरसा, एलनाबाद और आदमपुर में देखने को मिला है, ये भाव कल 10,500 या 10,000 से बढ़कर 11,000 तक पहुंच जाए, ऐसी संभावना कम है। विस्तृत वीडियो शाम को 5 बजे उपलब्ध होगा, तब तक के लिए नमस्कार।